हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है इसमें कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इससे रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्या है वो बड़े बदलाव और क्या कुछ हो सकता है, क्या उसमें हमारे लिए कुछ अच्छी बात है या हमारे लिए खराब बात है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट, आप अन अकेडमी पर ये कोर्सेज हैं जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि आपका टीम स्टार्स बैच है, 4 अगस्त से शुरू हो रहा है, यू कैन ज्वाइन दिस। CET ब्रह्मास्त्र बैच है, ये भी 4 अगस्त से शुरू है, सफलता बैच है। इसके अलावा और भी GD कांस्टेबल, CPO एग्जाम के लिए, MTS स्टेनोग्राफर, इन सारे एग्जाम्स के लिए बैच है। साथ ही साथ अन अकेडमी पर एक आस्क अ डाउट फीचर आ गया है, जिसमें आप अपना डाउट फोटो क्लिक कर अपलोड कर सकते हैं और उसके बाद आपको उस डाउट का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हर संडे को आपका SSC कॉम्बैट होता है, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। साथ ही साथ 22 अगस्त को मेगा कॉम्बैट होगा, जिसमें आप iPad मिनी, Apple AirPod, JBL स्पीकर और Amazon वाउचर्स जीत सकते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड AMANT यूज़ करके एनरोल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। साथ ही साथ अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप AMANT कोड यूज़ करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पर 3 मंथ्स को एक्स्ट्रा मिलेगा और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 6 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेगा। ये आपको 6500 दिख रहा है, लेकिन सिर्फ आपको 5850 में मिल जाएगा अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे। आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी है तो, ठीक है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं जो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इसके जा रहा हूँ इसका ऑर्डर आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल आप लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में दिया है, ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं आपके लिए वोकैबुलरी से रिलेटेड रील्स लेकर आता रहता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। बात करें जो हमारा ये ऑर्डर आया है, देखिए ये आपका क्या है। पहले तो एक चीज़ मैं बहुत ही क्लियर कर दूं कि ये जो है, दिस इज़ अ ड्राफ्ट रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट। देखिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो जनरली हम और आप पोस्ट जानते हैं, वो दो पोस्ट को हम जानते हैं, एक होती है TA दैट इज़ टैक्स असिस्टेंट और दूसरी होती है ITI दैट इज़ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ठीक है। लेकिन और भी पोस्ट होती हैं, जैसे कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट होती है, ठीक है। तो इस पोस्ट से रिलेटेड ये आपका ऑर्डर है, लेकिन इसमें TA कैसे अफेक्ट होंगे इसके बारे में भी हम आपसे बात करने वाले हैं। लेकिन पहले ये समझ लो कि ये आपका अभी ड्राफ्ट है, ये अभी फाइनल ऑर्डर नहीं है। इसमें इन्होंने कहा है कि अभी इसको हम इफ़ एनी विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ पोस्टिंग ऑफ दिस लेटर इन ऑफिशियल वेबसाइट, अभी इसको ये इन्फॉर्म कर रहे हैं जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स मतलब जो एग्जिस्टिंग TAs हैं उनको इन्फॉर्म करने के लिए ये अपलोड किया गया है। अगर ये ऑर्डर पास होता है तो क्या क्या चेंजेस आएंगे, इन सारी इन सारी चीज़ों के विषय में हम बात करने वाले हैं। देखिए बेसिकली रूल क्या होने जा रहा है, रूल ये होने जा रहा है कि अभी क्या होता है, अभी आपके जब रिक्रूटमेंट होता है तो आप में से काफ़ी सारे बच्चे TA यानी कि टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट पर रिक्रूट किए जाते हैं। कई बार आप देखेंगे, अगर रैंक लिस्ट को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि बच्चों ने CGDA ऑडिटर या किसी भी ऑडिटर पद से पहले उन्होंने TA ऑप्ट कर लेते हैं वो, जबकि ऑडिटर आपका 2800 ग्रेड पे होता है और TA आपका 2400 ग्रेड पे होता है, उसके बावजूद ऐसा क्यों करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि TA टू सीनियर TA जो पोस्ट होती है वो आपकी 3 इयर्स होती थी, 3 इयर्स में सीनियर TA बन जाता था और कुछ साल के प्रमोशन के बाद में बच्चा ITI बन जाता था। तो इसलिए जो है वो लोग TA ऑप्ट करते थे, क्योंकि TA से सीनियर TA 3 साल और उसके बाद कुछ जगहों पे 2 साल में भी लोग ITI बन जाते थे, तो 5 साल में आप ITI इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते थे। लेकिन अब यहाँ पर चीज़ें बदलने जा रही हैं। क्या बदलने जा रही हैं, देखिए लोग क्या होते थे, जो लोग कई सारे लोग ऐसे होते थे जिन्हें वर्कलोड का डर रहता था, जिसकी वजह से वो लोग इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तक प्रमोशन नहीं लेते थे। वो क्या करते थे, सीनियर TA बन जाते थे, सीनियर TA के बाद वो ऑफिस सुपरिटेंडेंट बन जाते थे, ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनने से मतलब वो उसी पर टिके रहते थे अपना, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से ये लोग ऐसा कर सकते हैं इस रूल के बाद में कि सीनियर टैक्स असिस्टेंट की जो पोस्ट है और जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट की ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पोस्ट है, इन दोनों को ये मर्ज कर देंगे, यानी कि सीनियर TA जैसी कोई पोस्ट ही नहीं बचेगी, ठीक है। अब ये रूल दोनों पहलू हैं इसके, एक ये रूल कुछ एक लहजे से देखेंगे तो अच्छा भी है और एक लहजे से देखेंगे तो बुरा भी है। जो एग्जिस्टिंग TA हैं, जो पहले से TA हैं, उनके लिए ये बुरा है, या आगे अब जो TA सेलेक्ट होगा उनके लिए ये बुरा है, क्योंकि अब वो सीनियर TA नहीं बन पाएंगे। लेकिन एक तरीके से अच्छा है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा कैसे अच्छा है, ठीक है। अब इस पे जरा बात कर लेते हैं कि क्या क्या बदलाव हो रहे हैं और क्या बेसिकली इसके मतलब हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम सीधे बात करते हैं।
इसका जो मतलब है वो ये है कि सीनियर टीए की जो पोस्ट होती थी, जैसा मैंने आपको बताया कि टीए पे आप सेलेक्ट होते थे, टीए से आप सीनियर टीए बन जाते थे 3 साल में, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो सीनियर टीए की पोस्ट है ये अबॉलिश कर दी जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। अब ये खत्म हो जाएगी तो प्रमोशन किस पे होगा, अब जो प्रमोशन होगा वो डायरेक्ट ओएस की पोस्ट पे होगा, ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे होगा, ठीक है। तो यानी सीनियर टीए जैसी कोई पोस्ट नहीं होगी, 3 साल में जो सीनियर टीए पे प्रमोट होते थे वो खत्म, अब ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे प्रमोशन होगा डायरेक्ट। कैसे होगा, अब देखो दिक्कत क्या है, अभी आपको सारी चीजें बताता हूं। अब जो ये ओएस कैडर है इसमें जो डायरेक्ट डीआर मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है वो 75% होगा और 25% रिक्रूटमेंट जो है वो प्रमोशन से होगा। तो अच्छी बात ये है कि ये जो 75% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा ये हमारा सीजीएल के थ्रू ही होगा, और अगर सीजीएल के थ्रू होगा तो हम अपने नोटिफिकेशन में अगली बार एक नई पोस्ट देख सकते हैं जो कि होगी ओएस की, यानी कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट की। अब दिक्कत ये होगी कि प्रमोशन के लिए सिर्फ 25% सीटें बचेंगी, इसलिए प्रमोशन जो है वो लोगों का लेट होगा क्योंकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता रहेगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा तो ऑब्वियसली ज्यादातर 75% सीटें अगर उससे भरी जाएंगी तो ऑब्वियसली बात है कि भाई ज्यादातर सीटें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से हो रही हैं तो प्रमोशन के लिए जगह कम बचेगी, ठीक। तो ये अच्छी चीज है कि सीजीएल वाले बच्चों को एक नई पोस्ट मिल जाएगी एग्जाम में, लेकिन बुरी चीज ये है कि जो टीए है उसको प्रमोशन लेने में दिक्कत होगी। यानी कि मान लो आप ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे सेलेक्ट होते तो अच्छा है, 4200 ग्रेड पे की पोस्ट डायरेक्ट आपको 4200 ग्रेड पे मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको आईटी अगर आपको टीए की पोस्ट मिलती है तो फिर आप ओएस बनने में अब आपको बहुत समय लगेगा, ठीक। टीए टू ओएस जो है एक व्यक्ति को 10 साल की सर्विस कंप्लीट करनी पड़ेगी, यानी कि जो टीए टू सीनियर टीए 3 साल का जो जो पीरियड था कि 3 साल में वो सीनियर टीए बन जाते थे, अब वो दिक्कत कर देगा, अब वो टीए से डायरेक्ट ओएस बनेगा और वो 10 साल की सर्विस में बनेगा। तो ये चीज काफी दिक्कत वाली बात है, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल टू एग्जिस्टिंग टीए जो अभी पहले से अभी रिक्रूटेड हैं, यानी कि 2017 तक के बच्चे ऑलरेडी हैं, 18 वाले बच्चे भी ज्वाइन कर लेंगे तो हो सकता है उनपे एप्लीकेबल ना हो। दे हैव टू कंप्लीट 3 years टू बिकम ओएस, वो लोग सिर्फ 3 साल में ओएस बन जाएंगे। यानी कि जो एग्जिस्टिंग टीए हैं वो ओएस बन जाएंगे 3 साल में, लेकिन जैसे आप लोग मान लीजिए अभी सेलेक्ट नहीं हो और आप अगर टीए की पोस्ट पे जाते हो तो आपको ओएस बनने में 10 साल लगेंगे, ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनने में 10 साल लगेंगे, तो जो टीए की पोस्ट का बेनिफिट था वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहां पर क्या कैच है कि इन्होंने ये तो कह दिया कि टीए जो है आप 3 साल में बन जाओगे, लेकिन यहां पर भी कैच है। कैच ये है कि इन्होंने कहा है कि 25% रिक्रूटमेंट ही पोस्ट प्रमोशन से होगा, तो अगर सिर्फ 25% रिक्रूटमेंट प्रमोशन से होगा तो इसका मतलब है कि वैकेंसी कम होगी, वैकेंसी कम होगी तो ये जो इन्होंने 3 साल का बात कही है, जब आपके यहां वैकेंसी ही नहीं होगी तो 3 साल की सर्विस पूरा करने के बाद भी आप ओएस नहीं बनोगे जब तक वैकेंसी नहीं आएगी, जब वैकेंसी आएगी तभी आप प्रमोट होगे। तो वो डिपेंड करेगा फिर अपने रीजन टू रीजन, कुछ रीजन में वैकेंसीज रहती हैं कुछ रीजन में नहीं रहती हैं, तो वो रीजन टू रीजन वैरी करेगा, ठीक। अगली बात है, फॉर आईटीआई वन हैज टू कंप्लीट 5 years ऑफ सर्विस इन ओएस एंड स्टेनोग्रेड और स्टेनोग्रेड वन, अगर स्टेनोग्रेड वन है तो अलग चीज है, अगर आप ओएस यानी कि मान लीजिए आपने आप टीए थे, ठीक है, आप टीए की पोस्ट पे सेलेक्ट हुए, अब टीए से आप प्रमोशन लोगे ओएस की पोस्ट पे, ये प्रमोशन मिलेगा 10 years पे, और अब ओएस से आपको क्या बनना होगा आईटीआई, तो आईटीआई अगर बनना है तो उसके लिए फिर 5 years की सर्विस और कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो यानी कि टीए टू आईटीआई जो है वो 15 साल का गैप हो जाएगा, बहुत ये बहुत बड़ी बात है, जो चीज पहले 5-6 साल में हो जाती थी अब वो 15 साल में होगी, तो ये काफी ज्यादा दिक्कत वाली चीज हो जाएगी, समझ रहे हैं। लेकिन अभी ये ड्राफ्ट है, अगर फाइनल होगा तो ऐसा होगा, ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी, ठीक। लेकिन अब ये अगर मान लीजिए कि कोई टीए है जो एग्जिस्टिंग टीए है वो अगर 3 साल के सर्विस के बाद में ओएस बन जाता है तो 3 साल उसके लिए भी दिक्कत है, उसके लिए 5 साल की सर्विस कंप्लीट करनी पड़ेगी ओएस, यानी कि वो भी अब 8 साल में आईटीआई बन पाएगा, ठीक। आईटीआई का जो है 75% रिक्रूटमेंट पहले ही डायरेक्ट होता है, 25% रिक्रूटमेंट जो है प्रमोशन से होता है, ये चीज पहले से ही वैसे ही है। ओएस टू ओएओ, ओएस होता है ऑफिस सुपरिटेंडेंट, एओ होता है असेसिंग ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर इसको आईटीओ मान सकते हैं, आईटीओ के बराबर ही होता है, ऑल्सो 5 years ऑफ सर्विस, यानी कि ओएस टू ओएओ जो एओ बनेगा वो भी 5 साल की सर्विस उसको भी चाहिए रहेगी, ठीक है। तो ये जो है आपके बिग चेंजेस होंगे। इसके अलावा जो सबसे एग्जिस्टिंग एमटीएस हैं उनको बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि एग्जिस्टिंग एमटीएस को विल बी अफेक्टेड अलॉट इन टर्म्स ऑफ वेटिंग पीरियड इन ईच कैडर, लाइक टीए टू सीनियर टीए 10 years बनेगा उनको,
5 years to AO, it may take 20 years to become an ITI, could be favorably considered that these order may be applicable to those who are being recruited henceforth. तो ये माना जा सकता है कि जो आगे recruitment होगा उन पे ये लागू हो जाएगा, ठीक है. और MTS के लिए बहुत दिक्कत आ जाएगी, वो 20 साल में TA बन पाएगा, income tax inspector बन पाएगा. मान लीजिए अगर ये वैकेंसी आती है तो आपके लिए क्या होगा, ये देखिए ऑफिस सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी आएगी, ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पोस्ट है, 4200 ग्रेड पे की पोस्ट होगी आपकी, ठीक है. और सिलेक्शन वाली पोस्ट यानी सीजीएल के थ्रू आ जाएगा आपका ये अगर आता है तो. और इसमें आपके लिए ये समझ लीजिए कि इसमें आपको टाइपिंग जरूरत होगी, यहाँ पर हैविंग अ डाटा एंट्री स्पीड ऑफ 8000 की डिप्रेशन पर मिनट यानी पर आर, यानी कि 30-35 मिनट्स वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आपको चाहिए होगी. तो ये अभी ड्राफ्ट है, फाइनल होता है तो ये चीजें एप्लीकेबल हो जाएंगी, बट ऐसे ड्राफ्ट अक्सर फाइनल हो जाते हैं. आई एम नॉट श्योर अभी ये फाइनल होगा या नहीं होगा, बट अगर ये होता है तो जो सीजल वाले बच्चों के लिए अच्छी बात यह है कि उनको ऑफिस सुपरिटेंडेंट की नई वैकेंसी मिलेगी, और जो टीए हैं या टीए की पोस्ट पर सेलेक्ट होंगे उनके लिए बुरी बात यह है कि उनका जो प्रमोशन है वो डिले हो गया है, ठीक है. तो ये चीज मैंने आपको इस वीडियो में बता रहा था. अगर आप अनअकैडमी पर मेरी क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप 8 बजे मेरा इंग्लिश का बैच चल रहा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक इंग्लिश का बैच है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं. 8299117042 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैसेज करके आप कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए. बाकी के वीडियोज भी आपको जल्द ही इस चैनल पर आगे कंटिन्यू होते दिखेंगे. थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय.